नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किराना बिजनेस पे। मैं चंदन, आज आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा स्टेशनरी से रिलेटेड या आज का प्रोडक्ट होने वाला है। ये देख सकते हैं आप, एलकुल्स का पेन है। ये एक बॉक्स का आज मैं प्राइस बताऊंगा, एक पक्के का प्राइस बताऊंगा कि आखिर आप अगर एक पेन बेचते हैं, एक सिंगल पेन, तो आपको कितनी कमाई होती है, और आप अगर पेन ले रहे हैं तो सस्ते खरीद रहे हैं या महंगे खरीद रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एलकुल्स का दो पेन है मेरे पास आज, एलकुल्स का ड्रोन और एलकुल्स के एनोम, ये दोनों पेन के बारे में आज हम लोग पूरी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं एलकुल्स का पेन से। ये जो एलकुल्स है, ये देखिए यहाँ पे नाम इसमें दे रखा है, ड्रोन बॉल पेन, एलकुल्स का राइटिंग फ्रीडम ड्रोन बॉल पेन है। आइए इसे कुछ डिटेल्स देखते हैं कि ये डिटेल हमारे कुछ काम का है या नहीं। यहाँ पे देखिए, ये जो डिटेल देखा है इन्होंने, 7 रुपया पर नग है, यानी 7 रुपया पीस बेचने वाला यह पेन है। ये कंपनी की ओर से है, 35 रुपये पत्ता और 1750 रुपये का एक बॉक्स पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मार्केट में इसका रेट थोड़ा सा कम है, क्योंकि कंपनी जो है वो महंगाई देखते हुए MRP लगाती है कि अगर नेक्स्ट टाइम और महंगा हुआ तो भी यह कम बेच सकते हैं पेन उसी रेट में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग देखें तो ये है आपका कोलकाता का है, कोलकाता मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए इसकी पेन की बात करते हैं। ये पेन एक्चुअली 5 रुपये बिक्री में है और काफ़ी अच्छा पेन है, ये बिकता है 5 रुपये में, क्योंकि पेन का महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले साल से ही। बट देखिए यहाँ पर ये पेन है, पेन की क्वालिटी भी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप ये पेन नहीं रखते हैं तो आप ये पेन मंगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया बात इसमें हम दुकानदार भाइयों के लिए मार्जिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो और वो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मार्जिन भी अच्छा है और ये पेन की क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पर देखिए, आपको पेन दिखाते हैं, अगर आप अच्छी पेन बेचेंगे तो मार्जिन ऑटोमेटिक ही आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये पेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ग्रिपिंग अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है इस पेन का, ठीक है दोस्तों। ये 5 रुपये में आराम से बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसे 5 रुपये में बिकने में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा अगर मार्जिन की बात करें इसमें, तो ये आपको पड़ने वाला है दोस्तों 3.60 रुपये का, ठीक है। यानी अगर हम लोग डब्बे की प्राइसिंग बात करें, यहाँ पर आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में इसकी मार्जिन वगैरह निकालते हैं, तो ये आपको पड़ने वाला है 3.60 रुपये का, 3.60 रुपये। ये इस बॉक्स में टोटल आपको 250 पेन मिलने वाला है, तो इनटू 250 कर लीजिए आप, तो ये आपको निकलेगा 900 रुपये, ठीक है दोस्तों। 900 रुपया बॉक्स पड़ेगा ये पूरे डब्बे में। लेकिन अगर आप पत्ता ले रहे हैं, ठीक है, एक पत्ता या दो पत्ता, तो ये आपको रिटेल में मिल जाता है 3.75 रुपये करके, ये लगाते हैं दुकानदार जो भी अगर आपके पास में है, ठीक है। तो 3.75 × 5 अगर आप करेंगे तो ये आपको 18.75 रुपये एक पत्ते का रेट लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी अगर आप उसमें लेते हैं, क्या बोलते हैं, बॉक्स में, तो ये आपको पड़ता है 18 रुपये, और अगर आप खुले में ले रहे हैं तो ये 18.75 रुपये का पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बॉक्स का भी रेट जान गए और ऐसे भी इसका रेट जान गए। अब चलिए नेक्स्ट पेन का देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेन, ये है एलकुल्स का एनोम। ये काफ़ी ज़्यादा फाइन दिखता है, इसके रेट भी कम है और ये ज़्यादा फाइन दिखता भी है। मुझे तो ये पेन काफ़ी पसंद है क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आइए देखते हैं इस पेन की, पहले हम लोग क्वालिटी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा लुक है। एक्चुअली क्वालिटी तो जब तक लिखेंगे आप खुद से तो पता नहीं चलेगा। तो पहले जो इसका लुक है, पेन का जो लुक है 5 रुपये में, ये देखिए, ये 5 रुपये खुद ही लिख रखा है इन्होंने, कंपनी वालों ने इसमें 5 रुपये लिख रखा है। ये देखिए, ये रहा 5 का एनोम पेन, ये भी काफ़ी बढ़िया पेन है दोस्तों, ठीक है। 5 रुपये की बिक्री में यह पेन काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए। और इसकी रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मुझे पड़ा है 3.50 रुपये का, ठीक है दोस्तों। जो 5 रुपये में बिकता है, अगर 3.50 रुपये करें × 250, तो ये आपको पड़ने वाला 875 रुपये का डब्बा। हो सके तो मैं महंगा भी लिया हूँ, अगर महंगा ले रहा हूँ तो आप बताइए रेट आपके एरिया में क्या रेट है, और सस्ता ले रहा हूँ तो बताइए कि भी आपके एरिया में क्या रेट है। तो रेट आप जरूर साझा करें अपने लोकेशन के साथ, मुझे अच्छा लगेगा कि इस लोकेशन में अभी यह रेट चल रहा है, तो मैं भी और बार्गेनिंग करके चाहे कुछ सस्ते लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम पेन में मार्जिन की बात करें तो ये 3.50 रुपये का पड़ रहा है और हम लोग बेचते हैं 5 रुपये में, ठीक है। तो एक पेन में कमाई हो रहा है 1.5 रुपये का। इसमें मार्जिन कैसे निकालेंगे पेन के, 1.5 रुपये डिवाइडेड बाई 5 रुपये में बिक्री है, तो 5 = कर दिया 0.3 × 100, 30% का मार्जिन है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ग्रोसरी में आटा चावल दाल बेच रहे हो तो 2%, 5%, 10% तक का मार्जिन है। अगर आप किराना दुकान वगैरह में ऐड करते हैं ये सब सामान स्टेशनरी आइटम, तो 30% तक का आपको मुनाफा हो जाता है, जो आपको किराना दुकान को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। तो ये आइटम हम जरूर रखेंगे अपने किराना दुकान में, ताकि हम लोग एक साथ अच्छे से ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।